रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस महायुद्ध के बीच एक बड़ी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, आप देख सकते हैं, ये है यूक्रेन के राष्ट्रपति, और जिस प्रकार से इन्होंने जो शब्द लिखे वो आप देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है, क्योंकि वो खुद, जी हाँ, वर्दी यानी कि जो सेना की वर्दी है वो पहन चुके हैं और वो खुद जा रहे हैं मैदान पर। वो ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ और एक बंद कमरे में बैठकर अपने फैसले सुनाएं, उन्होंने अपने नागरिकों की रक्षा के लिए और अपने नौजवानों की रक्षा के लिए अपने आर्मी के साथ जुड़ने का फैसला किया। और देख सकते हैं, उन्होंने इस पोस्ट के साथ ये भी लिखा, एक बहुत ही भावुक संदेश कि शायद ये आप मुझे आखिरी बार जिंदा देख रहे हैं। दुनिया जानती है कि भले ही रूस इस मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर हो, लेकिन यूक्रेन ने भी पूरे दमखम के साथ जो है इस युद्ध में बराबरी का जो है टक्कर दिया है। लेकिन यूक्रेन बहुत छोटा देश है रूस के अपेक्षा, रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे ज़्यादा हथियार है, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पूरी हिम्मत और श्रद्धा के साथ जी हाँ आगे बढ़े, वो काबिले तारीफ़ है। और पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों से उनसे सबक लेना चाहिए कि जब ऐसे हालात होते हैं तो खुद मैदान पर कैसे आ जाता है।